मैनपुरी में फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी सड़क चलती गाड़ियों को रोककर खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताने लगे और लूटपाट को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से एक बुलेट, मोटरसाइकिल, दो मोबाइल और लूटे गए 10,000 रुपये नगद भी बरामद किए हैं। साथ ही लुटेरों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अमित शर्मा, दूसरा पंकज यादव। इनके बारे में काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि जगह जगह जनपद में कई जगह इनके द्वारा अपने को क्राइम ब्रांच का बता करके और लूटपाट की घटनाएं करती गई। इस संबंध में दन्नाहार में और कोतवाली में अभियोग भी पंजीकृत है। इनसे पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि ये आसपास के जनपदों में भी इस तरह की घटनाएं करते थे। इनके पास से दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और लूटा गया 10,000 रुपया बरामद हुआ।